हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा वो है सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम करेंगे। सरफेस टेंशन मैंने आपको इसे पीछे वाले वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो आप उसे देख लें, आपको सरफेस टेंशन के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी क्या होता है कि इट इज़ सिंपली अ वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। भाई, हमने किसी का सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया, उस इंक्रीज़ करने के लिए जो वर्क डन लगा अपॉन कितना एरिया इंक्रीज़ किया उसे से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या बन जाती है, सरफेस एनर्जी। ठीक है, क्लियर। आगे करते इसका करेंगे, अब उसके बाद बात करते हैं रिलेशन की, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन हुआ, इस तरह से हम करेंगे ए बी सी डी, हमने कोई एक फ्रेम ले ली। ठीक है, वायर की एक फ्रेम बना दो इस तरह से, और उसके ये तीन एंड, ठीक है, बंद है और ये एंड ओपन है इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पीस ले लेंगे, ठीक है, वायर का एक पीस लेंगे जो मूवेबल हो, ठीक है, वो यहाँ पे अंदर बाहर हो सके। फिर इस पूरे को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, अब सरफेस फिल्म बनेगी। ठीक है, जो सरफेस होता है, जो सोप सॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है कि उसकी टेंडेंसी होती है उसको श्रिंक करने के लिए। ठीक है, फिर हम उसके अगेंस्ट उसको होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, जो उसके अगेंस्ट वर्क करता है। क्लियर है, अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है या कितनी फोर्स लगी, अब पहले वो निकालते हैं। अगर हम टी, हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन, और आपको पता है सरफेस टेंशन जो होती है इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने यहाँ पे 2L लिया, क्यों लिया 2L, क्योंकि सरफेस फिल्म है ये, बबल जो सोप सॉल्यूशन है उसका फिल्म है, इसके डबल सरफेसेस होते हैं, डबल साइड से फोर्स लगती है इसकी, इसलिए हम इसे ट्वाइस करके रहते हैं। क्लियर है, तो जो फोर्स लगी दैट इज इक्वल टू टी इंटू 2L हो गया। अब क्या हुआ, इस वजह से अब ये कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, मूव करा ना, जब ये मूव करा तो मतलब क्या हुआ, फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट हुई। फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई तो मतलब क्या हुआ, वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इट इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डी एक्स, सो टी इनटू 2L इनटू डी एक्स। क्लियर है, अब इसके बाद बात करते हैं हम सरफेस, क्या बोला था मैंने आपको, सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी इट इज अ, क्या बोला था मैंने, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, वर्क डन कितना हुआ, टी इंटू 2L इंटू डी एक्स, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया में क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या हुई इसकी 2L और ब्रेथ कितनी हुई डी एक्स, सो इट इज कैंसल and it becomes T। ठीक है, तो क्या बना हमें, दिस सरफेस एनर्जी इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन के। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, फाइंड द रिलेशन। तो ये या कई बार आता है कि प्रूव दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल सरफेस एनर्जी, तो भी ये करेंगे और वर्डिंग प्रॉपर लिखा करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे अपने नोट्स चेक करने के लिए सेंड करते हैं, तो उसमें गलतियाँ क्या होती है कि वर्डिंग प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, वर्डिंग क्या हुई, जो आपने किया उसे आप लिखते चलिए। ठीक है, हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी। ठीक है, इट इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द वन एंड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम इज फिटेड विद द क्रॉस पाइप, क्रॉस वायर, ठीक है, विच इज मूवेबल। क्लियर है, सरफेस जो सोप फिल्म थी, सोप फिल्म बनेगी इसके ऊपर, सरफेस फिल्म बनेगी इसकी, इट हैज टू फ्री सर्फेसिस। ठीक है, फोर्स दोनों साइड से लगे, वो लिख लीजिए, एंड लेट टी बी द सरफेस टेंशन, एंड द फोर्स अगेंस्ट इट मूव्स इट टू अ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सरफेस टेंशन निकाल दिया, उससे क्या किया हमने, फोर्स निकाल दी, फिर उसके बाद नाउ वर्क इज डन, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर लिखिए। ठीक है, तो लास्ट में सरफेस टेंशन इट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर। वेल, इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड एक्सेस,
एक्सेस, जैसे आप लोग आज जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो ना, वो क्या होता है एक्सेस, ठीक है, क्लियर। एक्सेस क्या हुआ कि जो जरूरत से ज़्यादा चीज़ है वो क्या होती है एक्सेस। हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सेस प्रेशर की, जितना प्रेशर वहाँ पे है उससे ज़्यादा प्रेशर हो उसको क्या बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। किस चीज़ के ऊपर, किसका, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे ना, कंपेरिजन ज़रूरी है कि एक्सेस, तभी एक्सेस बोल सकते हैं। हम बात करेंगे किसी बॉडी के अंदर कितना प्रेशर है और आउटसाइड कितना है, जो डिफरेंस आ गया दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, क्लियर है। तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, और इसी तरह से हम इसको सोप बबल के लिए कर सकते हैं और एयर बबल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप का और एयर बबल का एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन सोप बबल का थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बता दूंगा, जुड़े रहे कंटिन्यू करें इसे। तो इसे करने के लिए हमने क्या करना, वी विल फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। उसको करने के लिए हमने क्या कर लिया, लेट अस कंसीडर लिक्विड ड्रॉप, लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर, ठीक है। द प्रेशर आउटसाइड ड्रॉप इज पी ओ एंड इनसाइड द एयर बबल, ए सॉरी लिक्विड ड्रॉप इट इज पी आई, ठीक है। एंड एक्सेस प्रेशर इज, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर क्या हो गया, एक्सेस मतलब कहां, इन साइड एक्सेस बोला तो इसका मतलब क्या, अंदर का ज्यादा बाहर का कम, ठीक है। तो एक्सेस बोला तो अंदर क्या हो गया ज्यादा और बाहर का क्या हो गया कम, सो पी आई माइनस पी नॉट इट इज अ एक्सेस प्रेशर, क्लियर है, ठीक है। हमने लिक्विड ड्रॉप ली थी, उसका जो हमने रेडियस था वो क्या था, आर था, और साथ में हमने क्या ले ली, लेट गिव द सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड, ठीक है, जिसकी हम बात करें इसको लेकर, क्लियर है। वर्डिंग प्रॉपर, मैंने बोला गलतियां करते हैं वर्डिंग में, तब मैं फिर से बोला हूँ, हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन इज टी, ठीक है। नाउ पी आई विद द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड पी ओ इज द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप, सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इट इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट, क्लियर है, ये वर्डिंग है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने करना है कि ये जो प्रेशर था, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से वहां पे क्या हुआ, कितनी फोर्स इसके ऊपर लगी, कितनी फोर्स इसके ऊपर लगी, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर जो फोर्स हुआ इसके ऊपर, फोर्स या आउटवर्ड फोर्स बोल सकते हैं आप, क्या लगी, आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है, कितना लगा ये, इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इन टू जो आउटवर्ड फोर्स लगी, अभी हमने निकाला था, हमने निकाला था सरफेस टेंशन, अभी लास्ट टॉपिक में क्या कहता था हमने कि जो फोर्स है हमारे पास, ठीक है, वो फोर्स कितनी है, ठीक है, फोर्स यहाँ पे क्या करना, हमने फोर्स कितनी है वो निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए जो आउटवर्ड फोर्स लगी वो किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, और आपको पता है प्रेशर और एरिया का फोर्स का क्या रिलेशन होता है, फोर्स इट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर क्या हुआ, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इनटू इसका एरिया, किसका, जो हमने लिक्विड ड्रॉप ली थी, तो लिक्विड ड्रॉप का है सरफेस एरिया इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ये निकल गया इसका फोर्स आउटवर्ड या आउटवर्ड फोर्स, ठीक है, जो बाहर से अंदर की ओर लग रहा है। अब ये आउटवर्ड फोर्स लगी इस तरह से, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स लगी, और आउटवर्ड फोर्स की वजह से क्या हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया, इसका रेडियस इंक्रीज कर गया, तो कितना इंक्रीज करके करा हुआ, डेल आर, लेट डेल आर विद द इंक्रीज इन एरिया ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस ड्रॉप, ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब ये एरिया बढ़ गया, फोर्स लगी, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, सो वर्क डन, ठीक है, सो वर्क डन इट इज इक्वल टू कितना हो, फोर्स, फोर्स कौन सी होगी, ये होगी 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल आर, क्लियर है, ये हो गया सिंपल वर्क डन, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया ये, वर्क डन इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे कि चलो ये तो ठीक हो गया, वर्क डन हो गया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन हो गया, तो उसकी वजह से उसके सरफेस एनर्जी भी क्या कर गई, बढ़ गई, और जो इंक्रीज इन एरिया है, ठीक है, पहले क्या था, पहले कितना सा हो गया वर्क डन, अब क्या हुआ कि पहले
एरिया 4πr² था, फिर बाद में डेल आर हो गया, तो कितना इसका इंक्रीज इन एरिया है, इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया, टोटल निकाले पहले 4πr प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस 4πr² क्लियर, इस बड़े स्क्वायर का एरिया निकाले फिर छोटे का, ठीक है, निकाले वापस से माइनस करें तो क्या बन जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्या जाएगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, करें 4π ब्रैकेट खोले a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4πr², ठीक है। अब क्या करें, इसको ब्रैकेट्स ओपन करें, 4πr² प्लस डेल आर, अब क्योंकि डेल आर क्या है कि बहुत स्मॉल है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा होगा, तो हम इसे क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, सो वी गेट, इसे काट दीजिए, ठीक है ना, 8πr डेल आर माइनस 4πr² 4πr² से 4πr² और डेल आर स्क्वायर का मैंने क्या बोला, डेल आर इज वेरी स्मॉल सो इट कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया हमारे पास काट के, सो वर्क डन, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इट इज इक्वल टू 8πr डेल आर, क्लियर है, तो ये हो गया इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, क्लियर है। अब वर्क डन कितना होता है, वर्क डन कितना हुआ, जो सरफेस एनर्जी के हिसाब से मैंने किया था सरफेस टेंशन, ठीक है, अब उसके हिसाब से क्या हमारे पास वर्क डन, इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हो गया, लेकिन हमने क्या निकाला वर्क डन, ये अब सरफेस टेंशन के हिसाब से कितना रहिए, तो दोनों क्या नीचे सेम, इक्वेटिंग बोथ दिस, आप इसे इक्वेशन डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, फिर आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, दोनों को कंपेयर करें, जब दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना कितना आ जाएगा, टी इंटू 8πr डेल आर, ठीक है, अब काटें, जो कटता है उसे काट दें, ठीक है, फिर डेल आर से डेल आर कैंसिल, 4π कितना हो गया 2 और एक आर कैंसिल, सो इट बिकम्स pi - p₀ इट इज इक्वल टू 2t/r, कितना आ गया, इट इज 2t/r, ठीक है, दिस इज अ एक्सेस प्रेशर, क्या होगा, दिस इज अ एक्सेस प्रेशर किसमें, लिक्विड ड्रॉप में, हो गया क्लियर, अगर यही टॉपिक आपको बोला जाता है एयर बबल के लिए तो भी सेम होगा, ठीक है, लेकिन अगर ये सोप बबल के लिए बोला गया तो चेंज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सोप सॉल्यूशंस के 2 फिगर सरफेसेस हुए, डबल साइड पे वहां पे होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, बाकी एज इट इज, ठीक है, इसको कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा 4t/r इन केस ऑफ सोप बबल, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस प्रेशर, इसे जरूर करें क्योंकि ये इस बार भी आपके फाइनल एग्जाम में ये आएगा, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।